पता है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आ रही है। गाइस ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर वर्क करती है और ये वैकेंसी बहुत ही लेटेस्ट रहने वाली है। मतलब कहने का मतलब है कि ये सिविल डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। जो भी कैंडिडेट हमारे इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ ही गाइस मैं बता दूँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें आप लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे क्योंकि हरियाणा की वैकेंसी है। इसमें आप इंडिया के ऑल इंडिया के कैंडिडेट कहीं से भी हैं सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। गाइस इसकी लिंक और अप्लाई लिंक साथ ही गाइस इसको कैसे अप्लाई करना है किस लिंक से अप्लाई करना है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए यहाँ आप लोगों की इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से यहाँ आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप लोग इसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे हरियाणा के काफ़ी स्टूडेंट हैं तो वो इस डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जाना चाहते होंगे, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यहाँ आप लोग देखेंगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन लिंक आपको दी गई है। बाकी यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन निकलते रहते हैं फॉर्म तो उनकी, लेकिन यहाँ आप लोग देखेंगे तो प्रीवियस क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो गाइस इसकी जो वैकेंसी की आपको नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को देखिए कमेंट बॉक्स में भी पिन किया गया है टेलीग्राम का लिंक, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी पिन किया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेती हूँ। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये आप लोगों का एड्रेस दिया गया है, साथ ही एडवर्टाइजमेंट नंबर निकाला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं नेक्स्ट यहाँ पर देखूंगी। ये आप लोग की सब डिविजनल इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। ग्रुप बी के अंतर्गत वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। हरियाणा डिपार्टमेंट रहेगा और कैटेगरीज आप लोगों की अलग अलग रहने वाली हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हरियाणा में ही रहने वाली बैकवर्ड या फिर अलग अलग कैटेगरीज में देखने के लिए मिलेगी। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 53 निकाली गई है। बाकी और भी यहाँ पर जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर निकाला गया है। और आपका ओपनिंग डेट देखिए स्टार्टिंग डेट 16/11/2022 है, लास्ट डेट है 6/12/2022। तो 6 से पहले पहले आपको अप्लाई करना होगा और फीस सबमिट करने की भी यही लास्ट डेट है 6/12। अप्लाई करने के लिए ये इसकी वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से जाकर अप्लाई करेंगे। बाकी आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दी जाएगी, वहाँ से जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा ये सारी चीज़ें हम लोग जानने वाले हैं। अप्लाई करने के लिए मैं बता चुकी हूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये जो आप लोग का PDF है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इस लिंक पर आ जाएंगे, मैं आपको इसे भी प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ आप देखेंगे लास्ट डेट एप्लीकेशन का दिया गया है, लास्ट डेट यही है आप लोगों का 6/12/2022, उससे पहले ही अप्लाई करना होगा। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए PWD वगैरह के लिए ये सभी डिफाइन की गई हैं, वैकेंसीज कितनी निकाली गई हैं। और जो आपकी पोस्ट है देखिए यहाँ दी गई है सब डिविजनल इंजीनियर की, सिविल वालों के लिए सिविल डिपार्टमेंट में निकाली गई है। इसमें जो डिग्री मतलब BE या BTEC कर रखा है सिविल से तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखा है तो ये मोस्टली आप लोगों की वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छी है सिविल वालों के लिए, ओनली सिविल डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी अच्छी रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या आप लोगों का रहने वाला है सैलरी पैकेज, देखिए स्केल पे आप लोगों का लेवल 9 के अंतर्गत दिया जाएगा। और आप सभी जो भी वैकेंसी है इसके लिए इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल वाले भूटान वाले ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ऑल आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम यहाँ पर रखी गई है देखिए 21 से कम नहीं होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 42 दी गई है। लास्ट डेट तो बता ही चुकी हूँ, इसके अंतर्गत आप लोगों की देखी जाएगी। और रिलैक्सेशन दिया गया है जैसे हमारे जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का है, बैकवर्ड कैंडिडेट के लिए भी 5 साल का, जैसे हरियाणा के हैं ये सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ उनके लिए दिया गया है। बाकी जो अदर हैं उनके लिए भी अनमैरिड वगैरह हैं, अनमैरिड वुमेन्स होती हैं उनके लिए भी दिया जाता है। PWD कैंडिडेट के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन दिया जाता है, पूरा चार्ट मेंशन कर रखा है, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए क्योंकि इसकी वजह से आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, आप अप्लाई भी कर पाएंगे। रिजर्वेशन आप लोगों को सेम ही रहता है तो उसमें बताने वाला कोई ज़्यादा बात है नहीं। अब मैं मेन चीज़ बता देती हूँ आप लोगों की यहाँ पर फीस वगैरह के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा मेन पॉइंट रहेगा आपके लिए।
अब बात कर लेते हैं गाइस फीस की। तो ये आपकी फीस दे रखी है, फीस जो हमारे मेल कैंडिडेट हैं, देखिए यहाँ पर दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए, और एक्स सर्विस मैन है, मतलब जैसे एक्स सर्विस मैन वगैरह के सन्स होते हैं तो वो हरियाणा के, उनके लिए 1,000 रुपये रखी गई है। और जो हमारे ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की हैं, उनके लिए 250 रुपये रखी गई है। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ज़्यादा फीस है और फीमेल कैंडिडेट के लिए कम है। अगर मेल और फीमेल SC ST वगैरह के हैं तो आप लोगों के लिए 250 रखी गई है, लेकिन PWD के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ओनली हरियाणा कैंडिडेट के लिए। अगर आप हरियाणा से बाहर के हैं तो आप लोगों की फीस लगेगी, सिर्फ और सिर्फ ये जो है फ्री फॉर्म जो है हरियाणा वालों के लिए है। अगर हरियाणा से नहीं है आप लोग तो आप लोगों के लिए फ़ीस पे करनी होगी। बाकी देखिए यहाँ आप लोगों को दिया गया है इंस्ट्रक्शन कैसे एप्लीकेशन को फिल करना है, पूरा एकदम क्राइटेरिया बहुत ही अच्छे से दिया गया है। और गाइज यहाँ आप लोगों को डॉक्यूमेंट जो भी आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लगेंगे वो सभी दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर आपको देख सकते हैं मार्कशीट वगैरह, और ये सभी आप लोग देख लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गई हाई स्कूल की, ये सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के वहाँ पर मांगे जाएंगे। तो ये इसीलिए आप लोगों को पहले बता दिया गया, ये सभी डॉक्यूमेंट अगर हैं आप लोग तो ज़रूर अप्लाई कीजिए। बाकी गाइस आप लोगों की फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट भी 6/12/2022 है, इससे पहले पहले ही आप लोगों को करना होगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में तो अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि ऐसी ही और भी अपडेट लाने के लिए गाइस हम लोग हर वक्त आपके लिए मेहनत करते रहती है। तो चलिए दोस्तों सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए।